प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी ने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि भाजपा 16 और 17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला है। भाजपा भविष्य को लेकर के गरीब कल्याण की योजना आदि क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कथित समय में नड्डा जी को नेतृत्व करने का मौका मिला था। कोरोना काल में जिस तरह से मैनेजमेंट किया है, जिस तरह से चुनावों में सफलता मिली है, वह एक मिसाल है। आइए सुनते हैं क्या कुछ बोले हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिला और भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और अन्य क्षेत्रों में विधानसभा के चुनाव, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी मान्य सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक कठिन समय में आदरणीय नड्डा जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला था। कोरोना काल में जिस तरह से पार्टी को सेवा का उपकरण बनाया, जिस तरह से विधानसभा चुनावों से लेकर उपचुनाव, स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी की पूरे देशभर में एक शानदार सफलता मिली, वह एक मिसाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का विश्वास कार्य समिति का है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।